नानक ने जब उदासी धारनी थी तो भाई मर्दाने को, जो कहें तो मिरासी है, कहें तो मुसलमान है, पर कहें तो वो गुरु का सिख भी है, कहें तो उम्र में 2 साल बड़ा भी है, तो उसे कहते हैं कि भरवाना गांव है, वहाँ पे बहुत बड़ा रबाबी है, उसका नाम फिरंदा है। सो रबाबी फिरंदा के पास जाओ तो उनकी बनाई हुई हाथों की रबाब ले आओ। तो भाई मर्दाने को समझ नहीं आई कि क्यों, काहे की रबाब, काहे का ये क्या, कौन है फिरंदा। तो वो जब जाते हैं तो भाई फिरंदा भी मुसलमान है। जब भाई फिरंदा को पता लगा कि गुरु नानक ने रबाब मंगवाई है तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया, तो मुझे ले चलो। तो इतने अदब से वो नंगे पैरी भरवाना गांव से कुछ चंद मील चलकर गुरु बाबा नानक जहाँ बैठे थे वहाँ पे उनके चरणों में रबाब रख कर कहा कि ये तो आपकी ही कृपा थी। ये रबाब है, ये काबुली रबाब नहीं, ये हिंदुस्तानी रबाब है। और ये कई तरीके से बजती रही, कबीर साहब ने बजाया, नामदेव जी ने बजाया, रविदास जी ने बजाया। ये जितनी भक्ति परंपरा थी सूफियों ने, गुरुओं ने, गुरु नानक ने, वो साज कोई खास तो होगा ना इस साज में, कि जिसको गुरु नानक ने चाहा कि मेरे संग अगर बजे तो ये बजे। इसके बावजूद भी हम उस साज को खो बैठे कि मुझे वो ढूंढ कर हमारी कब्रों में दस्तक दे दे कर, जैसे मैं बचपन में कहता था कि क्या करते हो, कहें कि मैं कब्रें ढूंढता हूँ, उनको खटखटा कर कहता हूँ कि हे बुजुर्ग, कुछ बताओगे, मेरी झोली कुछ डालोगे क्या, तो कुछ कुछ बोल पड़ते थे, तो मैं, हमारा रांझा उसी में राजी हो जाता था। आया कि जिन जो गाथाएं हैं जो मैं सुन रहा हूं, जो सुनने में बड़ी रोचक हैं, बहुत ही अद्भुत लम्हों का जिक्र करती हैं, कि वो मैं कैसे चख सकता हूं, क्या मैं वो जी सकता हूं। चल जासी ढोला हाथ ना लाए कसुंबड़ाए, जल जासी ढोला हथ ना लाए कसुंबड़ाए, बेड़ा बांध न सकयो, बेड़ा बांध न सकयो, बेड़ा बांध न सकयो, बंधन की वेला हथ ना लाए कसुंबड़ाए।
ये जब बंदिशें मुझे कराई जा रही थी, कहें कि गुरु साहब के साथ, गुरु साहब साथ में रबाब बजाते थे या सरंदा बजाते थे, फिर मुझे बंदिशें कराई गईं कि ये बंदिशें वो हैं जिस काल में सिर्फ रबाब बजती थी। तो फिर मेरी खोज चलती रही, जब मुझे पहले शिक्षा हुई लकड़ी ढूंढनी कैसी है, उसको ढूंढी, उसको काटना कैसे है, उसको सीजन जिसे कहते हैं उसको बनाना, उसको तैयार कैसे करना है, और उसके साज के जो नए नक्शे हैं, उसकी दिशा, उसकी उसका आकार, उसकी वो मुझे फिर ज्ञानी हरभजन सिंह जी ने अगर हम खोजना चाहें कि हमारी सभ्यता किस में है, तो किसी एक धागे में नहीं मिलेगी आपको, ना ही किसी एक रंग में मिलेगी।